सभी उससे बहुत ज्यादा डरा करते थे, क्योंकि एक बार जब वो किसी के घर में चला जाता तो वो वहाँ का सारा अनाज खत्म करके ही वापस आता था। इस वजह से कोई भी उसे दावत पर नहीं बुलाता। एक बार की बात है, गांव में किशोर के घर पर दावत थी, क्योंकि उसकी बेटी की शादी थी और उसने मोटू को अपने घर पर नहीं बुलाया। जब ये बात उसे पता लगी तो उसने अपने आप से कहा, अच्छा, बेटी की शादी कर रहा है और मुझे नहीं बुला रहा है। शायद मुझे निमंत्रित करना भूल गया होगा। मैं नहीं आऊं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं बिना बुलाए ही चला जाऊंगा और वहां पर जाकर पकवान खाऊंगा। और ये कहकर वो उसके घर पर आ गया। जब किशोर ने उसे देखा तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया और उसने अपने मन में सोचा, अरे रे रे, ये कहां से आ गया? अब तो मेरी बेइज्जती होकर ही रहेगी। अगर मेरी बेइज्जती हो गई तो मैं लड़के वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा? अरे किशोर, तुमने दावत की और मुझे बुलाया नहीं, ऐसी भी क्या नाराजगी भाई? अरे रे रे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें तो पता ही है मैं ठहरा गरीब आदमी, तो मैं तुम्हें इतना कहां से खिला सकता हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। अरे ये क्या बात हुई, तुम्हें क्या लगता है कि मैं ज्यादा खाता हूँ? अरे नहीं नहीं, ये तो तुम लोगों की गलत फहमी है। मैं तो तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए चला आया। तुम मुझे दावत मत खिलाना, मुझे बहुत खुशी है। वैसे पकवानों की खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। यदि मैं दो पूरियां खा लूंगा तो तुम्हारा कौन सा खाना खत्म हो जाएगा? यही तो सारी परेशानी है। यदि तुम खाने के लिए बैठ गए तो फिर उठने वाले नहीं हो। अरे तुम मुझ पर विश्वास करो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। चलो मैं तुम्हारी बेटी को आशीर्वाद दे देता हूँ। कहाँ पर है वो? इसके बाद किशोर उसे अपनी बेटी के पास ले गया। मोटू ने उसकी बेटी को आशीर्वाद दिया और उसके बाद उसने कहा, अब बताओ कहाँ करवा रहे हो दावत? मुझे भी ले चलो वहाँ पर, बहुत तेज भूख लग रही है, अब तो रहा नहीं जा रहा है। अरे राजू इधर तो आना, जरा मोटू भैया को तो ले जाना। हाँ मालिक, अभी आया। और ये कहकर राजू उसे खाना खिलाने के लिए ले गया। वही किशोर ने अपने मन में कहा, आज तो लगता है मेरी इज्जत जाकर ही रहेगी। हे भगवान, मेरी रक्षा करना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेटी की शादी टूट जाए। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहूंगा। वही मोटू खाना खाने के लिए बैठा। मोटू को जब लोगों ने देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अब तो उन्हें दावत नहीं मिलने वाली। राजू खाना लेकर आया तो मोटू ने कहा, अरे भाई पूरी डलिया यहीं पर रख दो, एक दो पूरी से मेरा क्या होने वाला, और दो तीन बाल्टी सब्जी भी ले आना और एक बड़ी डलिया मिठाई की ले आना। ये सुनकर राजू बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वहाँ पर सभी बैठे लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हुए। राजू सारा सामान लाकर मोटू के पास रख देता है। मोटू कुछ ही देर में सब कुछ खा लेता है, जिसे देखकर सभी बहुत परेशान हुए। राजू बार बार खाना लाए जा रहा था और मोटू खाता जा रहा था, जिससे वहाँ पर बर्तनों का ढेर लग गया और सारे आदमी भी वहाँ से उठकर चले गए। आधी दावत पूरी होने को आई पर अभी तक मोटू का पेट नहीं भरा था, जिससे राजू परेशान होकर दावत छोड़कर किशोर के पास आ गया। अरे जल्दी चलिए मालिक, मोटू उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, उसने तो सारा खाना खा लिया है, अब हमारे पास खाना नहीं बचा है। क्या
हाय राम, मुझे जिसका डर था वही हुआ है। मैंने तो पहले ही मना किया था, पर इसने कहा कि दो पूरियां खाएगा, पर दो पूरियां कहकर उसने तो सारा खाना ही खा लिया। अच्छा, अब मैं लड़के वालों को क्या खिलाऊंगा? आज तो मेरी इज्जत जाकर ही रहेगी। चलो चलो, जल्दी चलो, कहाँ है वो मूर्ख मोटू? और ये कहकर वो दोनों मोटू के पास गए। जब किशोर ने वहाँ की हालत देखी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया और उससे कहा, अरे मोटू भैया, अब तो उठ जाइए, आपने तो पूरी दावत ही खा ली है, मेहमान अभी खाने को बाकी हैं। अरे रे रे, अभी कहाँ, अभी तो मुझे और खाना है, और लाओ खाना, इतनी जल्दी कहाँ खत्म हो गया? अरे कहाँ से लाऊं खाना, सारा तो आपने खा लिया, क्या आपको दिख नहीं रहा है इतने सारे बर्तन? मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने तो थोड़ा ही खाना बनवाया है, पर आपने मेरी बात ही नहीं मानी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? वही जब ये बात लड़के वालों को पता लगी तो लड़के का पिता रमेश बोला, अरे जब औकात ही नहीं थी तो क्यों बुलाया हमें यहाँ पर? मुझे तो पहले ही पता था कि इनकी औकात नहीं है हमारे घर रिश्ता जोड़ने की, पर फिर भी मैंने इनकी बेटी को अपने घर की बहू बनाने की सोची। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, थोड़ी देर में खाना आ जाएगा, हम दोबारा से खाना बनवा रहे हैं। अरे हमें कुछ भी नहीं सुनना है, हमें ये शादी करनी ही नहीं है, हम अपने लड़के को लेकर यहाँ से जा रहे हैं, उसकी शादी कहीं और करेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे हमारी इज्जत चली जाएगी, हम लोग कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, खाना तो ठीक से खिला नहीं सकते हैं, बड़े आए शादी करने वाले। और ये कहकर लड़के वाले वहाँ से चले जाते हैं, जिसे देखकर किशोर को चक्कर आ जाता है, वो वहीं गिर पड़ता है। वही मौका देखकर मोटू वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन जब किशोर को होश आया तो उसने अपने आप से कहा, मैं इस मोटू को छोड़ूंगा नहीं, इसकी वजह से मेरी बेटी की शादी टूटी है, मैं इसे सबक सिखा कर ही रहूंगा, इसे ज्यादा खाने का शौक है ना, अब मैं इसे बताऊंगा कि किसी का बुरा करना कैसा होता है। और ये सोचकर उसने एक योजना बनाई। वहीं दूसरी तरफ जब मोटू घर पहुंचा तो पत्नी लक्ष्मी ने उससे कहा, अरे ये मैं क्या सुन रही हूँ, आप बिना बुलाए किशोर की दावत में चले गए थे और उसकी बेटी का रिश्ता भी टूट गया, ऐसा क्यों किया आपने? अरे उसने बुलाया नहीं था तो मैं बिना बुलाए ही चला गया, वैसे भी वो मेरा दोस्त है। हाँ हाँ मुझे पता है वो आपका दोस्त है, पर आपके इतना खाने की वजह से कोई भी आपको बुलाता नहीं है, क्या आपको ये बात पता नहीं है? अरे तू ऐसा क्यों कह रही है, यदि मैं उसके घर पर खा आया तो क्या मेरी वजह से रिश्ता टूटा? और क्या, आपकी वजह से ही रिश्ता टूटा है, और अब आपको ही उसकी बेटी का रिश्ता जोड़ना होगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एक तो मैंने आपसे शादी की मोटा होने के बाद भी, फिर भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं, यदि आपने उसका रिश्ता नहीं जुड़वाया ना तो मैं आपको तलाक दे दूंगी। ये सुनकर मोटू काफी परेशान हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि वो उसकी बेटी का रिश्ता जुड़वा कर ही रहेगा। वही किशोर ने उसे अपने घर पर बुलाया और उससे कहा, अरे आओ आओ मोटू भैया, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था, इतनी देर कहाँ लगा दी? कहीं नहीं, बस ऐसे ही, अब मुझे दुख है मेरी वजह से तुम्हारी बेटी का रिश्ता टूट गया। अरे कोई बात नहीं, उसका रिश्ता फिर से हो जाएगा, चलो मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे पकवान बनवाए हैं। अच्छा आपने मेरे लिए बहुत सारे पकवान बनवाए हैं, कहाँ है वो? यहाँ पर नहीं है, वो खेतों की तरफ है, क्योंकि आपको तो पता ही है आप कितना ज्यादा खाते हैं,
इसीलिए मैंने सारा इंतजाम वहीं पर किया है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से खेतों की तरफ चले गए। कुछ देर बाद सूखे कुएं के पास पहुँचने के बाद मोटू ने कहा, अरे कहाँ है पकवान, कहीं देख नहीं रहे हैं। अरे मोटू भैया, आप जो ये कुआं देख रहे हैं, इसी में सारे पकवान रखे हुए हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप झांक कर देख लीजिए। जैसे ही मोटू ने कुएं में देखा, वैसे ही किशोर ने उसे धक्का दे दिया और वो कुएं में जा गिरा। और मौका देखकर किशोर वहाँ से भाग गया। मोटू कुएं से निकलने की काफी कोशिश कर रहा था, पर मोटे होने की वजह से वो वहीं फंसा रहा। एक हफ्ता बीत जाने के बाद उसके घर पर अचानक रमेश गया। रमेश को देखकर किशोर काफी हैरान हुआ। अरे भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, उस दिन मैंने बिना बात जाने रिश्ता तोड़ दिया था, पर अब मैं आपसे दोबारा रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, पर आपके दिमाग में ये बात आई कहाँ से? अरे मेरे घर पर आपके गांव में रहने वाला मोटू आया था और उसी ने बताया कि उसकी वजह से आपकी बेटी का रिश्ता टूट गया, और उसी ने कहा कि मैं आपकी बेटी को अपने घर की बहू बना दूं क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। क्या ये सब मोटू ने किया है? पर मैं तो उसे। और ये कहकर वो कुएं की तरफ भागा। इससे रमेश काफी हैरान हुआ और वो भी हैरानी से उसके पीछे गया। और किशोर ने वहाँ देखा कि मोटू उस कुएं में चिल्ला रहा था। किशोर ने उस कुएं में एक मोटी सी रस्सी डाली और कहा, मोटू तुम चिंता मत करो, मैं आ गया हूँ, अब जल्दी से रस्सी को पकड़ लो। ये सुनकर मोटू ने रस्सी पकड़ ली, पर वो अकेले उसे खींच नहीं पा रहा था। तभी वहाँ पर रमेश आ गया और उसने और दो तीन लोगों को बुलाया और फिर सब ने मिलकर मोटू को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद किशोर ने कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने ही तुम्हें कुएं में ढकेल दिया था क्योंकि मैं तुमसे अपना बदला लेना चाहता था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की शादी टूटी, पर आज तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की शादी फिर से जुड़ गई है। मुझे माफ कर दो। अरे किशोर भैया, कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। अब जब तुम अपनी बेटी की शादी करोगे तो मुझे बुलाओगे ना, क्योंकि इतने दिन भूखे रहकर मुझे कमजोरी आ गई है और मैं तुम्हारी दावत में भर पेट खाना खाऊंगा। क्या? इतना सुनते ही किशोर चक्कर खाकर फिर गिर पड़ा और उसे देखकर सभी लोग हंसने लगे और मोटू भी का